हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली अभी हाल ही में इस कंपनी की जो राइट इशू ओपन हुआ है, अभी राइट इशू आपको पता होगा हाल ही में कंपनी का आया होता और अभी ओपन है, तो इस राइट इशू के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। मैं आपको बताऊंगा ये राइट इशू होता क्या है, आपको कब कब से ओपन हो रहा है, क्यों अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, और अप्लाई करना भी है तो कैसे अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मतलब ए टू जेड जानकारी मैं आपको राइट इशू के बारे में साउथ इंडियन बैंक के मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बीएस इंडिया की वेबसाइट पर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को ओपन किया, क्योंकि राइट इशू का संपूर्ण डिटेल्स इसी पेज पे मिलता है, कोई एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पर, तो मैं बीएससी की वेबसाइट को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और यहाँ पर अभी हम लोग आ जाते हैं सीधे कॉर्पोरेट एक्शंस पर। अब कॉर्पोरेट एक्शंस में आप देखेंगे कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, चाहे वो डिविडेंड हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, या राइट इशू या बाईबैक हो, सब चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर राइट इशू आप देख रहे हैं क्योंकि 27 फरवरी की डेट, हालांकि 27 फरवरी इसका रिकॉर्ड डेट था, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अब एक ही हो गया है। बेसिकली 27 फरवरी से पहले जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स थे, जिन लोगों ने 27 फरवरी के पहले तक इस शेयर्स को अपने बाई करके अपने डीमैट अकाउंट में ले रखा था, वही व्यक्ति सिर्फ एलिजिबल होंगे इस कंपनी के आरी जो शेयर्स हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। अब जो व्यक्ति आरी शेयर्स होंगे उनके डीमैट अकाउंट में, तो इसका जो रेशियो था 1:4 के रेशियो के हिसाब से उसको आरी शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में दिख रहे होंगे। यानी कि किसी व्यक्ति के पास यदि 100 शेयर्स होंगे तो उसके डीमैट अकाउंट में 25 आरी शेयर्स जो राइट इंटाइटलमेंट के शेयर्स वो दिख रहे होंगे। अब इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले शुरू से समझते हैं कि राइट इशू का क्या होता है, क्यों कंपनी लेकर आती है। देखिए, जो राइट इशू होता है इसका यूज कंपनी करती है बेसिकली फंड को जुटाने के लिए। कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है तो राइट इशू लेकर आती है। हालांकि पैसे जुटाने के और भी तरीके हैं, कंपनी या तो बैंक के पास जा सकती है, बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है कि आईपीओ लेकर आती है। तो आप जानते हैं आईपीओ तो एक ही बार आता है, दूसरी बार एफपीओ लेकर आते हैं जब पैसों की जरूरत पड़ती है। तो हालांकि एफपीओ में उतना मजा नहीं आता, तो कंपनी राइट इशू लेकर आती है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कंपनी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कुछ अलग से शेयर्स बेचती है। जैसे मार्केट में इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है कितना, 28 रुपये करीब, और जो आरी शेयर्स आपको मिल रहे हैं ना उसको लिए सिर्फ आपको 22 रुपये पे करने हैं। यानी कि मार्केट प्राइस से आप देखेंगे तो कम प्राइस पर आपको आरी शेयर्स मिल जाते हैं, और इसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाता है। इसलिए इस पर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, नहीं भी अप्लाई करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा क्या नुकसान हो सकता है। तो राइट इशू के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया 27 फरवरी का, यानी कि जो व्यक्ति 27 फरवरी से पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर रखे थे सिर्फ वही व्यक्ति राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो राइट इशू आपको ओपन हुआ है ये ओपन हो गया है 6 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, इस मंथ के 20 मार्च 2024 तक इस कंपनी का राइट इशू ओपन रहेगा। हालांकि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट इशू के शेयर्स आए हैं उसको आपको यदि नहीं अप्लाई करना है 14 मार्च के पहले जरूर बेच दीजिएगा। 14 मार्च तक इसका डेट रखा गया है उसको सेल करने के लिए। यदि अप्लाई नहीं करना है तो यदि 14 मार्च तक आप सेल नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा कि वो जो आरी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और दूसरा फ्री में जो शेयर्स मिला है उसे बेचेंगे भी नहीं, तो एक प्रकार से आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए यदि अप्लाई नहीं करना है तो 14 मार्च के पहले जरूर उस कंपनी के शेयर्स को, आज जो आरी शेयर्स उसको बेच दीजिएगा, और अप्लाई करना है तो मत बेचिएगा और उसको 20 मार्च के पहले तक अप्लाई कर दीजिएगा। और एक बात समझिए, इस जो राइट इशू जो कंपनी लेकर आई है, इस राइट इशू के जरिए एक बात मैं आपको बता दूं, 1151 करोड़ रुपया कंपनी जुटाने जा रही है सिर्फ आरी शेयर्स को बेच के। 1151 करोड़ रुपये की कंपनी की जरूरत है जिसके लिए कंपनी राइट इशू लेकर आई है। दूसरी बात, आप जब इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करने के लिए 20 मार्च तक इसका डेट रखा गया है, अप्लाई करेंगे तो आपको ये शेयर्स कब मिलेंगे ये बात जान लीजिए। 5 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया है, थोड़ा समय लगता है, तकरीबन 1 मंथ का समय लग जाता है। 5 अप्रैल को अलॉटमेंट डेट है और आपको डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट होंगे 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को शेयर्स का क्रेडिट हो जाएगा और एनएससी और बीएससी पर इसका लिस्टिंग हो जाएगा। तकरीबन 11 अप्रैल का इसका डेट रखा गया है लिस्टिंग का। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है राइट इशू में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स आपको अप्लाई करने से लेकर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होने तक का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी ये जो राइट इशू ओपन हुआ है, राइट इशू अभी तक आपको ये, चूंकि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, राइट इशू का मतलब ये होता है कि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने पहले से इस कंपनी के शेयर्स बाई कर रखे हैं उनके लिए होता है। तो उनको ये जानने का फर्ज होता है कि जो राइट इशू होता है तकरीबन अभी 1% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि 1% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन चूंकि अभी समय भी है, 20 मार्च तक इशू ओपन है, तो ये आपको लगभग ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिख सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक का इशू है, कोई छोटा मोटा इशू तो है नहीं, तो इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिलने की उम्मीद रहेगी। लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि एक तेजी आपको देखने को मिले। हालांकि सामान्यतः ये देखा गया कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शंस होता है तो कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद शेयर के प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए, तो उससे घबराना नहीं है। बैंक के शेयर आप ले रहे हैं, बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये जो साउथ इंडियन बैंक है, तो लंबी अवधि में भी कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। राइट इशू में जरूर अप्लाई कीजिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान होगा मैंने आपको बताई दिया। फिर भी आपको मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन, यदि आप कुछ समझ नहीं पाए हैं तो मुझसे कमेंट में, या आप चाहे तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके
हाँ सवाल पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट और का रिप्लाई देता हूँ, चाहे आप कमेंट में पूछें, इंस्टाग्राम पे बात करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।